सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे थे तो उस पर आप कोई भजन गाएं, उससे शुरुआत करते हैं। जी जरूर, क्योंकि जब 14 वर्ष के बाद में भगवान आए थे तब पूरे देश ने दीपावली मनाई थी, और अभी तो 500 वर्षों के बाद आ रही है, तो निश्चित रूप से पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां भारतीय होंगे उत्सव होगा। कर लो उत्सव की तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। बहुत ही सुंदर सी लाइनें हैं, मैं समर्पित करती हूँ। दुल्हन जैसी सजी है धरती आज अयोध्या धाम की, दुल्हन जैसी सजी है धरती आज अयोध्या धाम की। देखो अवध में हो रही है वापसी श्री राम की, देखो अवध में हो रही है वापसी श्री राम की। दीप जलाओ खुशी मनाओ गाओ मंगल गान जी, देखो अवध में हो रही है वापसी श्री राम की, देखो अवध में हो रही है वापसी श्री राम की। सबसे बड़ी बात है इसमें, बरसों से जो देखा था वो सपना अब साकार हुआ, प्रभु राम का सुंदर मंदिर बन कर है तैयार हुआ। राम राज में कमी न होगी, राम राज में कमी न होगी किसी को भी धन धान्य की, देखो अवध में हो रही है वापसी श्री राम की, देखो अवध में हो रही है वापसी श्री राम की। जय श्री राम। जय श्री राम। मांजलि, बहुत बहुत खूबसूरत ये पंक्तियाँ आपने गाई है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी, फिर मैं चाहती हूँ कि और कुछ पंक्तियाँ आप सुनाएं हमारे तमाम दर्शकों। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रभु श्री राम की, तो अंजलि द्विवेदी के लिए प्रभु श्री राम क्या हैं? मेरे लिए मेरे प्रभु श्री राम सब कुछ है। राम है तो हम हैं। राम का अर्थ भगवान तो है ही, लेकिन राम के नाम के साथ में राम वो है जो सत्य है, राम वो है जो मर्यादा है, राम वो है जो धर्म है, जो हमें हर चीज का पाठ पढ़ाते हैं। एक एक उनके उपदेश में, एक एक लीला में उनके बहुत कुछ छिपा हुआ है जो हम सभी को जीवन का आधार बताता है, जिनसे हम कुछ बहुत कुछ सीख लेते हैं। मंच के माध्यम से मैं लोगों तक जो बात पहुंचाती हूँ, राम है तो हमारा सनातन है, बहुत कुछ हम सीखते हैं। ये हमारा सौभाग्य है जो हम पूरी दुनिया देख पा रहे हैं प्रभु श्री राम का मंदिर बनते हुए, ये हमारा भव्य है। अंजलि, पूरे देश में इस वक्त खुशी का माहौल है, अगर चंद शब्दों में आप कहना चाहें तो आप कितनी खुश हैं प्रभु श्री राम की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है, तो शब्दों के जरिए अगर आप कहना चाहें या पंक्तियों के जरिए तो आप कितने खुश? 22 जनवरी सिर्फ तारीख नहीं है, ये इतिहास में लिखने वाली वो तारीख है जिसका पूरे विश्व को इंतजार था। क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। तो 22 तारीख हमारे लिए बहुत बड़ी तिथि है ये, जिसका पूरे विश्व को इंतजार था, और जो 500 वर्षों का इंतजार था जो पूरा होने वाला है। ना जाने कितने हमारे पूर्वज चले गए ये इंतजार करते करते, हमारे देश के कार वीरों ने अपना बलिदान दिया ये दिन देखने के लिए। हमारा आपका सौभाग्य है कि वो हम और आप देख पा रहे हैं प्रभु श्री राम का मंदिर बनते हुए। मैं चंद लाइनें समर्पित करना चाहूंगी। राम भूमि की जय हो, जन्म भूमि की जय हो, राम भूमि की जय हो, जन्म भूमि की जय हो, राम लला की जय हो, 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 हो। अच्छा अंजलि, अब क्योंकि जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है अंजलि? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। आप एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, क्योंकि हमने देखा है कि अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न्योते भेजे जा रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों को भी, लेकिन कुछ लोग इस पर सियासत करते जमकर इस पर राजनीति भी करते हैं, उनको उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
इसमें मुझे लगता है सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राम उनके भी है, राम हमारे भी है। हाँ, वो बात अलग है कि किसी समय उन्होंने राम को काल्पनिक बोला था, राम को किससे कहानियों में बोला था, अब वही श्री राम का सहारा लेके बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा तक पहुंचना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसा करना चाहिए, इनफैक्ट उनको इस खुशी में शामिल होना चाहिए। आखिर हमारे राजा राम आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये खुशी की बात है, हमारे लिए भी खुशी की बात है। 200 सालों का इंतज़ार किया है और अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि अब अगर खुशी देखी जाए तो पूरे देश में खुशी का माहौल तो है ही, लेकिन आप अयोध्या जाएंगे क्या जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी? तो आप वहाँ पर जाने वाली हैं क्या? जी बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि मैं इस खुशी में शामिल हूं, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि प्रभु श्री राम मुझे बुलाए, ये मेरा सौभाग्य होगा। अच्छा अंजलि, मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आप बहुत खूबसूरत गाते हैं तो कुछ पंक्तियाँ आप और गाएं, क्योंकि लोग आपको सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होंगे आई एम श्योर। जी जरूर, मैं प्रस्तुत करती हूँ लाइनें। राम भूमि की जय हो, जन्म भूमि की जय हो, राम भूमि की जय हो, जन्म भूमि की जय हो, राम लला की जय हो। आयो अयोध्या करती है आवाहन, नाथ से कर मंदिर निर्माण, अयोध्या करती है आवाहन, नाथ से कर मंदिर निर्माण, शिला की जगह लगा के प्राण, शिला की जगह लगा के प्राण, बिठा दो वहां राम भगवान, अयोध्या आवाज था किसे कर मंदिर निर्माण, अयोध्या करती है आवाज था किसे कर मंदिर निर्माण। और इसमें मैं बताना चाहूंगी पूरे देश तक, क्योंकि मेरी बात पहुंच रही है दुनिया तक, तो मैं बताना चाहूंगी कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, हमारे देश में सनातन की लहर दौड़ पड़ी है, हमारे देश में जागरूकता की लहर दौड़ गई है। जहां एक समय लोग हाय हेलो बोलते थे, वो लोग जो विदेशी कल्चर अपना रहे थे, अब वो अपने देश के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, अपने धर्म के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, जय श्री राम कहना जो अब पसंद करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने दे, राम लला पे कोई आंच मत आने दे, राम लला पे कोई आंच मत आने दे, हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने दे, राम लला पे कोई आंच मत आने दे, राम लला पे कोई आंच मत आने दे, कायर विरोधियों को शोर मचाने दे, जय श्री राम, कायर विरोधियों को शोर मचाने दे, लक्ष्य पे रख दो ध्यान, अयोध्या करती है आवाज था किसे कर मंदिर निर्माण, अयोध्या करती है आवाज था किसे कर मंदिर निर्माण।